सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हाथरस में जो गैंग रेप हुआ था, गुड़िया को इंसाफ दिलाने की जो आग है लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, अब इसको राजनीतिक रोटियां इसमें सेकने लगे हैं लोग। और हाथरस से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जयंत चौधरी और भीम आर्मी के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 144-188 के उल्लंघन में मामला दर्ज हुआ है। आप सांसद संजय सिंह आज हाथरस पहुंचेंगे तो लगातार विपक्षी दल हाथरस पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। और हाथरस से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 144 के उल्लंघन में 400 के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। जयंत चौधरी और भीम आर्मी के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयवीर मावी लगातार हाथरस से हमारे साथ बने हुए हैं। जयवीर, जिस तरीके से आप देखिए पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, अच्छी बात है कि सब पीड़िता को न्याय दिलाना चाहते हैं, लेकिन अब इसमें राजनीति जिस प्रकार से की जा रही, देखिए आप हाथरस की जो मामला हुआ है हाथरस का, उसमें अब हर जगह से विपक्षी दल पहुंच रहे हैं, लेकिन और भी कई जगह इस तरीके की घटनाएं सामने आई। वहां पर सिर्फ ट्वीट से ही काम चलाया जा रहा है, लेकिन हाथरस समय सब पहुंच रहे, तनावपूर्ण स्थिति लगातार बनती चली जा रही है। और उसी को देखते हुए कल 144 के उल्लंघन में 400 लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार हाथरस के मुद्दे गर्मा रहे हैं, वहीं कल जो आरोपी पक्ष के लोग थे उन्होंने भी यहाँ पर पूर्व विधायक यहाँ पर एक महापंचायत की थी जिसमें 30 गांव के लोग मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पंचायत हुई थी, अब यहाँ पर हमने पहले भी बताया था कि लगातार राजनीतिक जो लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इस मामले को जातिगत रूप देना चाहती है, लगातार इस मामले को जाति की आग में झुलसाना चाह रही है। जिस तरह से यहाँ पर पंचायतें की जा रही है, जिस तरह से यहाँ पर जो राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर न्याय की बात करें तो जो आरोपी पक्ष है उसका भी साफ तौर पर कहना है कि जो पीड़िता है, जो लड़की बच्ची है, इसी गांव की वो गुड़िया है, इसी गांव की वो हमारी बहन बेटी है, उसको न्याय मिले। लेकिन उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो निर्दोष लोग हैं, जिनका राज यहाँ पर जब राजनीतिक द्वेष भावना के तहत नाम दर्ज कराया गया है, उन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। दोषी बचना नहीं चाहिए लेकिन निर्दोष को सजा ना हो। तो इस मामले को लेकर अब यहाँ पर लगातार दो पक्ष सामने आ रहे हैं, लगातार नारेबाजी भी की जा रही थी। कल भी जिस तरह हमने आपको दिखाया था कि एक तरफ सत्ता पक्ष के समर्थन में नारेबाजी की जा रही थी, जिनका कहना था कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ठीक काम कर रही है, जबकि जो विपक्षी दल के लोग थे वो नारेबाजी कर रहे थे विपक्ष में कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ठीक काम नहीं कर रही। तो एक तरफ जब आमने सामने की जब लड़ाई की बात आती है, जब आमने सामने जो दो पक्ष होते हैं तो कहीं ना कहीं मामला विवादित होता है। और लगातार इस मामले को यहाँ पर हवा दी जा रही है, लगातार इस मामले को मैं एक बार फिर बता देता हूँ के न्यूज के माध्यम से दर्शकों को कि यहाँ पर जो राजनीतिक रोटी सेकने की प्रयास विपक्षी दल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं तो हाथरस के नाम पर एक बड़ा कलंक लगना स्वाभाविक है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी को भी वहां पर ऐसे काम नहीं करने दिए जाएंगे, किसी भी पार्टी के दल को वहां पर ऐसी छूट नहीं दी जाएगी। तमाम जो ऐसे सबूत अब उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहे हैं, SIT की जांच में मिल रहे हैं, प्रशासन की, जहां पर संदेश दिया जा रहा है कि आप नकाब पहने और पथराव करो, नकाब पहनो और आग लगा दो, इस तरह के जो संदेश मिल रहे हैं, जो STF और प्रशासन के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिए गए हैं, बड़े अधिकारियों तक, लखनऊ तक पहुंचा दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज की, तो लाठीचार्ज के बाद जयंत चौधरी ने भी स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरते हुए कहा था कि जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर रहे हैं इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इन्हें निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार से मिल रहे हैं, लखनऊ में बैठे इनके आका इनको निर्देश दे रहे हैं और जिस तरह के निर्देश इनको दिए जा रहे हैं कार्यकर्ता। तो कहा जा सकता है कि तमाम तरह के अब आरोप प्रत्यारोप, यानी कि जो विपक्ष की पार्टियां सरकार को घेरने में लगी हुई हैं, अब देखना है कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार और विपक्ष की जो लड़ाई है कहां तक पहुंचती है और हाथरस की गुड़िया को कब न्याय मिल पाता है। जी जयवीर, जिस तरीके से आप देखिए, आपने बताया कि कल यहां पर प्रदर्शन किया गया, आमने सामने विपक्ष आ गए थे, लेकिन आप देखिए विपक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। अगर आप पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं तो आपको हाथरस जा करके नारेबाजी करने की क्या जरूरत थी। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें न्याय दिलाना है गुड़िया को, दूसरी तरफ आप राजनीति भी करते हैं, बेहद शर्मनाक है ये चीज। जयवीर, वही आपको बताना चाह रहा हूँ, दर्शकों को भी यही बताना चाह रहे हैं, हम लगातार
पहले दिन से ही ये कह रहे हैं कि जो हाथरस का जो मामला है उसको कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल के लोग हैं उसका लाभ उठाना चाहते हैं, राजनीतिक रोटी यहाँ पर सेकने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह हमने परिवार के लोगों से बात की, परिवार के लोग भी कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं थे, उनकी भी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं समझ से बाहर थी। जिस तरह से बात करें सीबीआई की जांच की मांग करते हैं तो उनका जो परिवार के लोग उनका कहना है कि उन्हें सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है, एसआईटी पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं, तो आखिर किस पर भरोसा है? उनका कहना है कि न्याय पर भरोसा है, न्याय प्रणाली पर भरोसा है, न्याय के हिसाब से उन्हें न्याय मिले। वहीं जब राजनीतिक दल के लोग वहां पहुंचते हैं, हाथरस में धारा 144 लगी हुई है, तमाम राजनीतिक दल के लोग जानते हैं, लेकिन वहां पर समर्थकों को ले जाने की क्या आवश्यकता है, वहां पर क्यों नारेबाजी कराई जाती है, ये सब बात समझ नहीं आ रही। जब वहां पर हाथरस में प्रशासन मौजूद है, आमने सामने वहां विपक्ष और पक्ष, आखिर पक्ष और विपक्ष को कौन लेकर आ रहा है, कौन वहां पर ये सब चीजें करा रहा है, कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। एक बार फिर इस पर प्रदेश सरकार के और जो प्रशासनिक अधिकारी उनको विचार करना चाहिए और इन चीजों का जो पर्दाफाश है जल्द से जल्द करना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हाथरस बदनाम होने के कगार पर है। बिल्कुल सही कहा जयवीर आपने, किस तरीके से विपक्ष लगातार पहुंच रहा है वहां पर, आपने सही कहा धारा जब 144 लागू है तो इस चीज का भी विपक्ष को ध्यान रखना चाहिए कि जब चार पांच लोगों से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं और फिर आप वहां पर जाते हैं, तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ जाता है। अब लाठीचार्ज को लेकर के भी मुद्दा बनाया जा रहा है, उसको लेकर भी मुद्दा बनाया जा रहा है, लगातार मुद्दे सामने आते चले जा रहे, विपक्ष पार्टी सवाल करती चली जा रही है। जब इस चीज का उनको ध्यान है, इस चीज की बात उनको पता है कि धारा 144 लागू है, फिर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? हम सिर्फ यही चाहते हैं जयवीर कि कुछ भी हो, कोई भी जांच हो, लेकिन किसी तरीके से पीड़िता को बस न्याय मिल जाए। तो फिर बता देता हूं कि जो न्याय की बात करते हैं, तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठन या फिर विपक्ष के जो आरोपी पक्ष के लोग हैं वो भी कहते, उनका भी कहना है कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत पर उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक दल के लोग हैं, इनको लगातार जब प्रशासन के द्वारा सूचना दी जाती है कि आपको केवल 5 लोगों के डेलीगेशन की आवश्यकता है, 5 लोग आप एक बार में जाकर मिल सकते हैं, उसके बाद भी तमाम जब राजनीतिक दलों के लोग वहां पहुंचते हैं तो मैसेज प्रचारित किया जाता है कार्यकर्ताओं के बीच में कि फलाने नेताजी फलाने समय पर वहां पहुंच रहे हैं। अब जब वहां पर धारा 144 धारा 188 लगा हुआ है और ज्यादा भीड़ की अनुमति नहीं है, तो आखिर ये नेता वहां पर क्यों अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हैं, क्यों नहीं चुपचाप करके मिल लेते, उनकी पीड़ा समझें, उनका दर्द समझें और उनको न्याय की मांग करें? बिल्कुल जयवीर, अब देखने वाली बात यह होगी कि आज जिस तरीके से संजय सिंह पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए।